दोस्तों बिरिप की आन बान और शान राजीव जूनियर सनी देवल जी का आज मेरठ में प्रोग्राम है, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो आपकी मुलाकात आज जूनियर सनी देवल जी से मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कैसा रहा। अद्भुत देशभक्ति प्रोग्राम सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा होटल कैंटरिंग इन मेरठ में सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा मेरा रंग दे बसंती चोला देशभक्ति प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर धमाल मचा दिया। प्रोग्राम में सिंगिंग, डांसिंग, कवि सम्मेलन, एक्टिंग के अलग अलग देशभक्ति किरदार के प्रोग्राम आयोजित किए गए। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का एक सराहनीय प्रयास बहुत बढ़िया है, और जो आज ही मुझे भी पता चला कि आपका नाम राजीव है, मेरे तो आप लोग सभी सभी देखे गए थे, और सभी कलाकार जिन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे मेरठ शहर से आप लोग बाहर से जो भी लोग सम्मानित हो रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आई लव माय मीडिया, ये एक मेरा परिवार जैसा हो गया मेरठ। मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा, मुंबई में रह रहे के जो चीज़ देख रहे हो या मेरठ में बिल्कुल अपना बन रहा, और ऐसे ही मैं चाहती हूँ सनी के हर प्रोग्राम में मुझे सनी बुलाएं, पॉसिबल होगा तो। लेकिन सनी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि अभी भी ऐसे ऐतिहासिक। मुंबई से बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मित्तल जी ने मीडिया को धन्यवाद कहा और कहा कि मीडिया मेरी फैमिली है और मीडिया की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। जी राजीव, आज सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा हर साल की तरह इस बार भी होटल कंटेन इन में मेरा रंग दे बसंती चोला एक अद्भुत देशभक्ति प्रोग्राम आयोजित किया गया, और इस प्रोग्राम में खास बात क्या है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से अलग हटकर हम लोग इस प्रोग्राम को 30 सितंबर को हर साल प्रोग्राम कराएंगे। तो कैसा रहा आपका प्रोग्राम जो है ये आज का? आज ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा, और खास बात क्या है कि इस प्रोग्राम में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने देशभक्ति का जुनून दिखाया, जिसमें डांस, सिंगिंग, एक्टिंग सभी लोगों ने की, और खासकर एंकरिंग भी की, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का सहयोग किया उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आदरणीय एडीएम चिट्टी साहब, ब्रजेश कुमार सिंह साहब, इस प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया। हम वो पत्ते नहीं जो शाखा से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं जो शाखा से टूट जाए, आधियों से कह दो हम योगदान कर रहे हैं। राजीव सर, एक सवाल आपसे और था, जब आप कपिल शर्मा शो में गए थे तो पहली बार जब आपने उनको मिले थे सनी देवल जी से जो हैं, तो कैसा लगा था आपको उस टाइम? देखिए, सनी देवल साहब मेरे जीवन के आदर्श हैं और मेरी रोजी रोटी उन्हीं के नाम से चलती है। आज राजीव के साथ जो जूनियर सनी देवल का नाम जुड़ा वो उन्हीं की बदौलत है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने उनकी आवाज़ मेरे गले में दी है, और उन्हीं की आवाज़ की वजह से ही मेरा रोजगार, मेरा नाम, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप का जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा, रंग दे बसंती चोला। अक्सर ही सनी जी जो है हमारे जूनियर सनी देवल जो राजीव जी हैं, ये कार्यक्रम करते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही अद्भुत होता है इनका कार्यक्रम, पूरे मेरठ में शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम करता होगा, तो इनसे जुड़ने के बाद जो हमें खुशी मिलती है वो शायद ही कहीं किसी प्रोग्राम में मिलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और बहुत ही अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। हमारे एडीएम सर भी आए थे, ब्रजेश जी जो कि नए अधिकारी आए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबसे जुड़के, और अभी अभी उम्मीद करते हैं हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें भी सब लोग जुड़ेंगे, और थैंक यू। मेरा नाम चौधरी करुणा है, और मैं सनी जी को, राजीव जी को, सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप को धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में उन्होंने इतना आदर सम्मान दिया है। मेरा नाम राजीव शर्मा है, और मैं ये देखता हूँ कि सनी एंटरटेनमेंट ने अभी मेरे साथ जाके पटाया में हमारे हिंदुस्तान का इतना बढ़िया नाम करा, इतनी परफॉर्मेंस दी कि वहाँ के स्थानीय अखबारों में पटाया, बैंकॉक और तीनों जगह इन्होंने पूरा उद्यम उतारा, और यहाँ के पेपरों ने भी इसको प्रमुखता से छापा है, और ये पता चला कि तो हिंदुस्तान के लोग भी विदेशों में हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। तो मेरठ का नाम जो है बहुत ऊँचा लगा, बहुत ऊँचा, सारे पेपरों में यहाँ भी छपा, वहाँ भी छपा, और वहाँ पे जितने भी हिंदुस्तान के लोग रहने वाले थे, जितने भी होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग वहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारा बहुत वेलकम करा और पूरा सम्मान दिया।